क्या आप जानते हैं कि कुछ क्रिकेटर्स ने अपना बॉलिंग एक्शन कॉपी किया हुआ है और आज बात करेंगे 8 ऐसे ही बॉलर्स की। नंबर 2 देखकर आप कहेंगे कि इसने तो बॉलिंग एक्शन चोरी ही कर लिया है। मोहम्मद शमी। इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी की बॉल्स तीर की तरह निकलती हैं और स्टंप्स को तोड़ कर रख देती हैं। जब शमी रन अप लेते हैं तो लगता है कि चीता शिकार के लिए जा रहा है और कभी कभी शमी की बॉल्स इतना ज्यादा घूम जाती हैं कि स्पिनर्स भी बॉल को इतना नहीं घुमा सकते। वर्ल्ड कप 2023 में आपने शमी की परफॉर्मेंस देखी होगी, उनके जैसी सीम मूवमेंट विश्व में किसी भी गेंदबाज की नहीं है। लाइन एंड लेंथ, स्पीड, मूवमेंट, चालाकी, इन सब के साथ शमी एक लीथल बॉलर बन जाते हैं और इसीलिए आज की तारीख में शमी की गिनती विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में होती है। कई एक्स क्रिकेटर्स के अकॉर्डिंग मोहम्मद शमी का बॉलिंग एक्शन वेस्टइंडीज के लेजेंड खिलाड़ी मैल्कम मार्शल से भी मिलता है। सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि शमी उन्हें मैल्कम मार्शल की याद दिलाते हैं, जो कि आज भी उन्हें नींद से जगा देते हैं। मार्शल के पास स्पीड और मूवमेंट तो थी, साथ ही वो बहुत चालाक बॉलर थे। अब मार्शल का ये स्पेल देखिए, कैसे उन्होंने सामने बल्लेबाजी कर रहे स्टीव वॉ को सेटअप किया। पहली गेंद आउट स्विंगर थी और ऐसी आउट स्विंगर की कीपर भी नहीं पकड़ पाया। शमी भी कुछ ऐसे ही आउट स्विंगर डालते हैं। अब अगली बॉल फिर से मार्शल ने आउट स्विंगर डाली, लेकिन पिछली बॉल के मुकाबले इस बॉल में उतना स्विंग नहीं हुआ और मार्शल बैट्समैन को सेटअप कर चुके थे। अब एक अच्छी बॉल की जरूरत थी और मार्शल ने कुछ ऐसा ही किया। अगली बॉल पड़ने के बाद सीधा अंदर आई और स्टीव वॉ LBW आउट हो चुके थे। ठीक इसी तरह वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शमी ने भी बेन स्टोक को सेटअप किया। पहली आउट स्विंगर पे स्टोक्स को हवा तक नहीं लगी। शमी समझ चुके थे कि क्रीज पे आए न्यू बैट्समैन को सेटअप करना होगा। अगली बॉल पर शमी ने फिर से आउट स्विंगर डाली। बेन स्टोक्स ने बेस बॉल वाली स्टाइल में बाहर निकल के शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन सामने शमी थे और शमी के सामने बेस बॉल की एक ना चली। अब अगली गेंद शमी ने इन स्विंगर डाल दी और स्टोक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह शमी स्टोक को सेटअप करते रहे, कभी इन स्विंगर कभी आउट स्विंगर, और स्टोक्स एकदम ब्रेन फेड हो चुके थे। और एक टाइम ऐसा आया कि स्टोक्स शमी की 12 गेंदें खेल चुके थे लेकिन एक भी रन नहीं बना पा रहे थे और अगली इन स्विंगर पे स्टोक्स अपना आपा खो बैठे। शमी को यही चाहिए था। शमी की एक सीधी गेंद पर स्टोक्स क्लीन बोल्ड हो चुके थे। रिप्ले देखकर ऐसा लग रहा था मानो धनुष में से कोई तीर छोड़ा गया हो। शमी ने बिल्कुल मैल्कम मार्शल की तरह बैट्समैन को सेटअप करके विकेट निकाल लिया। शमी के कारनामे एक वीडियो में कवर करने मुश्किल है। अगर आप शमी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है शेन बॉन्ड। 90s के दशक में सेन बॉन्ड को खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था। अपनी खतरनाक बॉलिंग के लिए मशहूर सेन बॉन्ड की गिनती विश्व के महानतम बॉलर्स मैकग्रथ, एम्ब्रस, स्टेन और मार्शल जैसे गेंदबाजों के साथ की जाती है। अपने प्लेइंग करियर के दौरान अधिकतर वो चोटिल ही रहे और ऐसा कहा जाता है कि अगर उनको इतनी चोटें ना लगती तो वो विश्व क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते। आज की तारीख में कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो 150 से ज्यादा की स्पीड में बॉल को स्विंग करा दे। उनकी गेंदबाजी में लाइन, लेंथ, वेरिएशन और स्पीड सब कुछ होता था और उन्हें क्रिकेट का सबसे एक्यूरेट बॉलर भी कहा जाता है। उनका बॉलिंग एक्शन इतना खूबसूरत होता था कि न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बच्चा बच्चा उनका बॉलिंग एक्शन कॉपी करने की कोशिश किया करता था। न्यूजीलैंड के बॉलर मैट हेनरी का एक्शन एकदम हूबहू शेन बॉन्ड जैसा है और कहा जाता है कि वो शेन बॉन्ड का एक्शन कॉपी करते हैं। मैट हेनरी एक अच्छे बॉलर जरूर है, लेकिन शेन बॉन्ड जैसा बॉलर कोई और नहीं हो सकता। अब आता है शेन वॉन। मैजिशियन के नाम से मशहूर क्रिकेट लेजेंड शेन वॉन एक ऐसे गेंदबाज थे जो गेंद को इतना ज्यादा घुमा देते थे कि बल्लेबाज हैरान रह जाता था। आज के दौर में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो शेन वॉन की तरह स्पिन बॉलिंग कर सके। शेन वॉन ने अपने दौर के लगभग हर बैट्समैन को बड़ी ही आसानी से आउट किया। शेन वॉन एक चालाक बॉलर थे और अधिकतर बैट्समैन को सेटअप करते थे। 1993 में शेन वॉन ने इंग्लैंड में अपनी पहली बॉल फेंकी और उस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। शेन वॉन ने इंग्लिश बैट्समैन माइक गेटिंग को लेग स्टंप के हर से बॉल को घुमाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया था। यूं तो कई लोगों ने शेन वॉन का बॉलिंग एक्शन कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ही एडम जैम्पा का बॉलिंग एक्शन एकदम शेन वॉन जैसा ही है। एडम जैम्पा शेन वॉन जितनी बॉल को घुमा तो नहीं पाते और ना ही वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ODI और T20 में विकेट निकालने में जैम्पा भी शेन वॉन की तरह एक्सपर्ट है। नेक्स्ट है डेल स्टेन। अफ्रीकी क्रिकेटर डेल स्टेन का बॉलिंग एक्शन इतना ज्यादा खूबसूरत था कि आपने भी कम से कम एक बार तो जरूर डेल स्टेन का बॉलिंग एक्शन कॉपी किया होगा। डेल स्टेन इस दशक के सबसे तेज और खतरनाक बॉलर थे। खासकर 2007 से लेकर 2015 के बीच टेस्ट मैचेस में तो बैट्समैन डेल स्टेन को सामने देखकर कांपने लगते थे। डेल स्टेन की खतरनाक गेंदबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डेल स्टेन 2008 से लेकर 2014 तक विश्व के नंबर 1 बॉलर बने रहे, जो कि सबसे लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1
बॉलर बने रहने का विश्व रिकॉर्ड है। डेल स्टेन इतने ज्यादा एग्रेसिव बॉलर थे कि उनको कमेंटेटर्स स्टेन गन के नाम से बुलाया करते थे। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड का एक बॉलर टॉम करन डेल स्टेन का बॉलिंग एक्शन कॉपी करता है। टॉम करन इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन के बड़े भाई हैं। टॉम करन और डेल स्टेन का रनअप तो अलग है, लेकिन बॉलिंग एक्शन दोनों का लगभग सेम है। अब टॉम करन एक्शन तो जरूर कॉपी करते हैं, लेकिन उनके पास ना तो डेल स्टेन जैसी स्पीड है और ना ही डेल स्टेन जैसी लाइन और लेंथ। अब आता है ग्लेन मैकग्रथ। ग्लेन मैकग्रथ अपने समय के सबसे बढ़िया बॉलर थे। मैकग्रथ की लाइन और लेंथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैकग्रथ 6 की 6 बॉल एक ही टप्पे पे फेंक सकते थे। साथ ही मैकग्रथ जादुई तरीके से बॉल को गुड लेंथ से उछाल देते थे। कहा जाता है कि इंडियन बॉलर मुनफ पटेल का एक्शन हूबहू ग्लेन मैकग्रथ से मिलता था। इंडिया के लिए लगभग 7 साल खेलने वाले मुनफ पटेल ने करियर के शुरुआत में तो काफी कामयाबी पाई, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी बॉलिंग स्पीड बहुत ही कम हो गई और धीरे धीरे उनका करियर खत्म हो गया। नेक्स्ट है तबरेज शम्सी। अफ्रीकी लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज तबरेज शम्सी अपने फनी सेलिब्रेशंस के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में फेमस हैं। दरअसल वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, इसलिए उन्हें लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर कहा जाता है। चाइनामैन वर्ड एक चाइनीज ओरिजिन खिलाड़ी पस एंकंग के नाम से आया। एंकंग पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिसने लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिन बॉलिंग की। चाइनीज ओरिजिन के पहले खिलाड़ी होने के कारण उन्हें चाइनामैन बॉलर कहा जाने लगा, और उसके बाद जिसने भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग की उसे लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर कहा जाने लगा। तबरेज शम्सी का बॉलिंग एक्शन श्रीलंका के स्पिनर वनिंदु हसरंगा से काफी मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हसरंगा राइट आर्म और शम्सी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। दोनों के भागने का तरीका, जंप और एक्शन सब कुछ एक जैसा है, और दोनों ही अपनी टीम को जरूरत के वक्त विकेट निकाल के देते हैं। अब आता है संदीप लमिछाने। आईपीएल और पीएसएल में आपने संदीप लमिछाने का नाम तो जरूर सुना होगा। एक छोटे से देश नेपाल से आने वाले संदीप लमिछाने एक अलग ही लेवल के जादूगर थे। वो गेंद को ना सिर्फ लेग स्पिन करते थे बल्कि गुगली करने में भी एक्सपर्ट थे। ठीक इसी तरह राशिद खान इस समय विश्व के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर हैं। संदीप का बॉलिंग एक्शन देखकर ऐसा लगता है कि वो राशिद खान का बॉलिंग एक्शन कॉपी करते हैं। संदीप भी राशिद की तरह एक शानदार गेंदबाज बन सकते थे, लेकिन मात्र 23 साल की उम्र में संदीप लमिछाने को एक रेप केस में 8 साल की सजा हो गई, और इस तरह एक शानदार क्रिकेट करियर बहुत ही कम उम्र में खत्म हो गया। नेक्स्ट है पीटर सिडल। ऑस्ट्रेलियाई पेसर पीटर सिडल बहुत ही खूबसूरत एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, और उनका बॉलिंग एक्शन कई खिलाड़ियों से मिलता जुलता है। जैसे अफ्रीकी बॉलर एनरिक नोरगिया को ही ले लीजिए, उनका बॉलिंग एक्शन हूबहू पीटर सिडल से मिलता है। पीटर सिडल की उम्र ज्यादा होने के साथ साथ पेस कम होती गई, लेकिन नोरगिया की पेस तो आपने आईपीएल में देखी ही होगी। उनका नाम लगातार 150 की स्पीड से फेंकने वाले बॉलर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।